आदाब, सत श्री अकाल। आजकल मन की बात करने का दौर चल रहा है, इसलिए हम भी अपने मन की कुछ बात करना चाहते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने एक साथ 104 सैटेलाइट छोड़े और इसका सारा श्रेय माननीय प्रधान सेवक जी ने ले लिया। कश्मीर में चंदानी नेश्री टनल का श्रेय भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने ले लिया, जबकि इसकी शुरुआत 2009 में मनमोहन सिंह जी ने की थी। पिछले 3 सालों में अगर कोई भी स्कीम शुरू हुई हो तो कृपया हमें बताइए। आपने बेसिक सेविंग को जनधन योजना बना दी, नेशनल गर्ल चाइल्ड को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, निर्मल भारत को स्वच्छ भारत, राजीव आवास को सरदार पटेल अर्बन हाउसिंग, स्वावलंबन को अटल पेंशन योजना, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को मेक इन इंडिया बना दिया, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान को डिजिटल इंडिया बना दिया। ऐसी तमाम योजनाओं के नाम बदल देने से योजनाएं नई तो नहीं हो जाती। जीएसटी को 2011 में ही पेश कर दिया गया था, उसको पास कराने की कोशिश भी यूपीए सरकार ने की थी, और तब इसका विरोध बीजेपी ने यह कहकर किया था कि जीएसटी देश की तरक्की में बाधा है, और अब इसको खुद लागू करके प्रधान सेवक जी ने इसका भी श्रेय ले लिया है। मनरेगा की इतनी फजीहत आपने की और अब उसको ही आपने आगे बढ़ाया। आपने आधार कार्ड का भरपूर विरोध करा और अब खुद ही इसको हर चीज में जरूरी बनाने की कोशिश की जा रही है। नोटबंदी से कितना काला धन वापस आया वो आप देश को बताइए। नोटबंदी से आतंकवाद पर कितना अंकुश लगा है ये सबको दिखाई दे रहा है। आज तक इतिहास में कोई भी प्रधानमंत्री बॉर्डर और सेना की गतिविधियों को लोगों के बीच नहीं लाए, लेकिन आपने कारगिल युद्ध सर्जिकल स्ट्राइक को चुनावी मुद्दा तक बना दिया, जबकि सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी कई बार हुई है। खैर, प्रधान सेवक जी, हमारे मन की बात तो यह है कि आपकी पार्टी 23 जनवरी 2014 को करेंसी बदलने का विरोध करती है और आप 8 नवंबर 2016 को खुद करेंसी बदल डालते हैं। आपकी पार्टी 2013 में 85 रुपए प्रति किलो तुअर दाल बिकने पर पूरे देश में महंगाई का विरोध करती है और आपके शासन में तुअर की दाल 150 से 200 रुपए किलो बिकती है। आपकी पार्टी गोवंश हत्या का विरोध करती है, जबकि आपके सत्ता में आते ही भारत बीफ एक्सपोर्ट में दुनिया का नंबर वन देश बन जाता है। 2004 से 2014 के बीच आपकी पार्टी रेल किराए में 1 रुपया भी बढ़ाने पर रेल का चक्कर जाम कर देती थी, और आपने सत्ता में आते ही 2 साल में रेल किराया लगभग 60 से 70% बढ़ा दिया। निर्भय के समय एक बलात्कार के विरोध में आपकी पार्टी 3 महीने आंदोलन करती है। इन चीजों का विरोध करना ही चाहिए, लेकिन बीजेपी शासन में मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 12 और दिल्ली में प्रतिदिन औसतन 7 बलात्कार होने पर आपके कानों में जू तक नहीं रेंगती। यूपीए सरकार ने 125 से 140 डॉलर प्रति बैरल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चा तेल खरीद के 70 रुपए लीटर पेट्रोल बेचा, और उसके विरोध में बीजेपी बैलगाड़ी मोर्चा निकाल दी। लेकिन आपके शासन में 50 से 60 डॉलर प्रति बैरल में कच्चा तेल खरीद कर आप 70 रुपए में पेट्रोल बेच रहे हैं। आपकी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भंगारू लक्ष्मण भ्रष्टाचार के पैसे ले रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, और फिर भी आपकी पार्टी ईमानदार है, बाकी सब भ्रष्टाचारी। आप कहते हैं कि आप प्रतिदिन 18 घंटे काम करते हैं और 3 साल में आपने देश का कुछ विकास किया हो तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। आपने 100 दिन में सारा काला धन लाने का वादा करा और 1100 दिन में भी आप विदेश से काला धन ला पाए। आपने किसानों को उनके उत्पादन खर्च पर 50% लाभ देने का वचन दिया और पिछले 3 सालों में किसानों के उत्पाद का सरकारी खरीद रेट 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। आपने 1 भारतीय जवान के बदले 10 पाकिस्तानी सर लाने का वादा किया था और पिछले 3 साल में 1 के बदले आधा सर भी नहीं ला पाए। आप खुद तो काले धन की बात करते हैं और अपने ही चुनाव में 11,000 करोड़ का खर्च करते हो। इन सब सवालों के जवाब देश आपसे चाहता है। दोस्तों, देश का चौथा स्तंभ यानी हमारी मीडिया, जिसकी भूमिका संदेह के घेरे में है। ऐसा लगता है कि कुछ चैनल तो हमेशा बॉर्डर पे ही रहते हैं। पाकिस्तान से एक स्टूडियो युद्ध इन लोगों ने शुरू किया हुआ है। देश की तरक्की के लिए सरकार क्या कर रही है, इस बात से ये कोसों दूर है। दोस्तों, जरा सोचिए, याद आपको देशभक्त होने का सर्टिफिकेट कुछ लोगों से लेना पड़ रहा है। हमारी मानसिकता इस स्तर पर पहुंच चुकी है कि अमरनाथ हमले में 50 लोगों की जान बचाने वाले ड्राइवर सलीम का धन्यवाद करने की जगह हम उस पर शक कर रहे हैं कि वो कैसे बच गया, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका धर्म कुछ और। गौरक्षा के नाम पर इतनी हत्याएं हो चुकी हैं, इतने दंगे हो चुके हैं, ये सब किसके लिए? कुछ लोग
ये भगवा कपड़ा पहनकर अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगे हैं, सरेआम मारपिटाई, हत्याएं और सामाजिक दंगे करने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों से हम विनती करते हैं कि इसके शरीर को बदनाम ना करें। ये रंग तो हमें भगत सिंह जी की याद दिलाता है, ये रंग हमारी संस्कृति की याद दिलाता है। ये देश महात्मा गांधी का देश है, इसे गॉडसे का देश मत बनने दीजिए। जय हिंद।